हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम अर्टिगा डीजल का सस्पेंशन ओवरऑल कर रहे हैं। ये देखिए, सॉकअप रिप्लेस कर दिया है हमने नया, इसका डिस्क खोल दिया है, डिस्क मशीनिंग के लिए दिया है। इसका कैलिपर पिन पूरा जाम था और यहाँ लगता है इसका ABS का वायर जो हमने खोल दिया है सेफ्टी के लिए। ये इसका बॉल जॉइंट टायर रिप्लेस करना पड़ेगा। ये धड़ी का बोल्ट हम लोग खोल रहा है, धड़ी डाउन करना पड़ेगा, स्टेरिंग चेंज करना है। ये रहा बोल्ट, वो रहा बोल्ट, हमारा सॉकअप पुराना वाला और ये है नया वाला। नया हम लोग डाले सॉकअप, सॉकअप पूरा गया है। देखिए साइज को हम लोगों ने क्लीन किया है। फ्रेंड्स, ये रहा इंजन कंपार्टमेंट। ये वाइफर का कवर खोलना पड़ता है सॉकअप का ऊपर का नट खोलने के लिए। ये नट है इसका, ये काफ़ी अंदर होता है, इसका ऊपर का पैनल खोलना पड़ता है। और ये हाइब्रिड वर्जन है तो इसका बैटरी वायर निकालना पड़ता है। इसमें एयरबैग भी दिया है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने एयरबैग भी खोल रखा है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, एयरबैग का मॉड्यूल इधर है। यह है स्पायरल जो कि बड़ा नाजुक आता है, इसमें हॉर्न भी रहता है, इसको खोलना पड़ता है वरना टूट जाएगा। सेंटर में रख के स्टेयरिंग खोलना पड़ता है और सेंटर में ही लगाना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पिनियन स्टेयरिंग का, इसको हम लोगों ने खोल दिया है। धड़ी डाउन करने के लिए इसको खोलना पड़ता है। इसमें 12 का एक बोल्ट आता है नीचे और एक बोल्ट ऊपर आता है इधर। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, इसको खोलना पड़ता है ताकि ये स्लाइड हो ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे स्लाइड होता है। यस फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये गियर माउंट का 1, 2, 3 बोल्ट खोलना पड़ता है जो धड़ी में फिट होता है। धड़ी डाउन करने के लिए वो खोलना ही पड़ेगा आपको। और ये है साइलेंसर का रबड़, ये भी निकालना पड़ता है, धड़ी में ये फिक्स होता है, ये निकालना ही पड़ेगा तभी धड़ी डाउन कर सकते हैं। और हमारा एक बोल्ट इसके अंदर रहता है, ये इधर धड़ी में फिट होता है। और दूसरा बोल्ट ये है धड़ी खोलने के लिए, ये हमारा कैंची का बोल्ट है फ्रेंड्स। और इधर का मैंने खोल रखा है, ये वाला बोल्ट है धड़ी का बोल्ट है। और एक इधर अंदर भी आता है, ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला बोल्ट, ये भी खोलना पड़ता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो पूरा देखें। ये गियर ऑयल भी हल्का हल्का लीकेज है, इसका हम लोग कुछ ऑयल सील रिप्लेस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कार पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। हमने स्टेयरिंग बॉल जॉइंट, लोअर आर्म, शॉक अब्जर्वर, लिंकेज सब न्यू रिप्लेस कर दिया है, आप देख सकते हो। स्टेयरिंग रैक भी रिप्लेस किया है और सारे बोल्ट हमने टाइट कर दिया है। ब्रेक पैड भी न्यू रिप्लेस किया। फ्रेंड्स, फ्रंट राइट का भी हमने सब ऐसे ही रिप्लेस किया है, देख सकते हो आप। ब्रेक पैड, लोअर आर्म, स्टेयरिंग बॉल जॉइंट,
और स्टीयरिंग रैक सब हमने रिप्लेस कर दिया है। फ्रेंड्स ये रहा इसका जूना सामान जो कि पूरी तरीके से डेड है। ये स्टीयरिंग रैक देख सकते हैं आप, फुल रस्टी है, पूरा रस्ट पकड़ रखा है। ये है शॉक ऑब्जर असेंबली हम लोगों ने डाला है। कस्टमर बोले शॉकअप असेंबली डालो, इसके लिए हम लोगों ने असेंबली डाला। शॉकअप असेंबली डाल सकते हैं और इसका किट भी आता है, तो शॉकअप असेंबली ही डालने के लिए कस्टमर बोले, इसके लिए हम लोगों ने असेंबली ही डाला है। फ्रेंड्स इसको ये 6 राउंड घूम रहा है, ये स्पाइरल है। इसको लगाने के लिए हमें टायर बिल्कुल 0-0 रखना पड़ता है, मतलब स्ट्रेट पोजीशन में टायर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और ये 6 राउंड घूम रहा है फ्रेंड, तो इसको हम 3 राउंड पे फिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स हो गया हमारा कंप्लीट एयर बैग का, स्पाइरल प्रॉपर लग चुका है। अभी हम मॉड्यूल लगाने वाले हैं। अब हम बैटरी का वायर टाइट करेंगे, बैटरी का वायर टाइट करके मॉड्यूल लगाएंगे जिससे एयर बैग का लाइट नहीं आएगा। फ्रेंड्स हम लोग पिनियन का भी लगा रहे हैं, 12 का 2 बोल्ट आता है। ये लगा के हम लोग टाइट कर देंगे, हमारी कार हो गई कंप्लीट। आप देख सकते हो फ्रेंड्स थोड़ा स्विंग और पार उल्टा लेफ्ट साइड, बस देख सकते हो फ्रेंड्स उल्टा राइट पार इधर